गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं प्राण सर आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल प्राण ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10 की ये सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैच्यू 1 फुट 6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। ये पेडेस्टल है जिसके ऊपर में एक मूर्ति है, ये स्टैच्यू बनी हुई है, इसके ऊपर में है तो इसकी हाइट है 1.6 मीटर। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ इसका जो एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑन द स्टैच्यू 65, टॉप के साथ जो बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल के साथ जो बनाएगा ये 45 डिग्री का बना रहा है। पेडेस्टल फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसका हाइट हमको फाइंड करना है, इस पेडेस्टल का हाइट फाइंड करना है। तो लर्निंग कर देते हैं ए बी सी और डी। पहले ट्रायंगल ए बी सी में निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे है 10 45 डिग्री इक्वल टू होता है ए बी बाय ए बी सी। यहाँ पे BC को हम लेट कर लेते हैं कि ये जो दूरी होगी वो X है, तो AB 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और AB क्या है H, डिवाइड में ये X करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H इक्वल टू होता है H। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला करेंगे BCD में, एक ट्रायंगल BCD में निकालते हैं तो यहाँ पे है 10 60 डिग्री इक्वल टू में BD डिवाइड में बी सी। अब यहाँ पे जो बी डी जो है, यहाँ पे बी डी में 2 है, एच में ऐड कर लेंगे 1.6 तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा बी और डी का, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। बी डी का वैल्यू है एच प्लस 1.6 डिवाइड में बी सी जो है वो एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 एक्स इक्वल टू एच प्लस 1.6। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम ये इक्वेशन नंबर 1 का एक्स का वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे है √3 एक्स इक्वल टू एच प्लस 1.6, √3 एक्स का वैल्यू है एच तो एच पुट करेंगे इक्वल टू एच प्लस 1.6। अब हम इस h को 1.6 को ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड जब हो जाएगा तब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू में h इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 h माइनस h, तो 1.6 इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे √3 माइनस h आएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइड में √3 माइनस h है कॉमन लिए है तो यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 1। नीचे में √3 है तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे 1.6 इंटू ये माइनस में तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज करके -1 है मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 प्लस 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में, इसको करेंगे मल्टीप्लाई √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1, ये आएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में 3, कैंसिल आउट करेंगे 2 8 16.8 तो ये आएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये जो पेडेस्टल का जो हाइट होगा ये h का हो गया, h की जो हाइट होगी इतना मीटर हो जाएगा, ये पेडेस्टल की हाइट जो पूछ रही है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमसे आप कमेंट में इस सेक्शन पे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।